हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ अंबिका। कैसे हैं आप सब लोग? आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लासेंटा यानी कि जो गर्भनाल है वो बच्चे के गले में क्यों लिपट जाता है और क्या इसको हम निकाल सकते हैं, क्या जो महिला यानी जो माँ है उनकी गलती की वजह से ये होता है, जो भी इसके बारे में हम बात करने वाले हैं वीडियो में। देखिए दोस्तों, जो प्लासेंटा है, जो गर्भनाल है, वो बच्चे के गले में लिपटने का दो कारण होता है। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है तो आपका बच्चा ज़्यादा मूवमेंट करता है, ज़्यादा घूमता फिरता है, तो वहाँ वही केस पे गर्भनाल जो है बच्चे के गले में निपट जाता है। और दूसरा जो कारण है वो है गर्भनाल अगर आपका छोटा रहता है। देखिए, बहुत सारी महिलाओं का जो गर्भनाल है वो छोटा रहता है, बहुत सारी महिलाओं का वो बड़ा रहता है, लेकिन जिन महिलाओं का जो गर्भनाल है, जो प्लासेंटा है, वो छोटा रहता है, तो वो केस में भी बच्चे के गले में गर्भनाल फंसने का, मतलब लिपटने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। ये तो तरीका हो गया, साइंटिफिक तरीका, कि गर्भनाल बच्चे की गले में क्यों लिपटता है। अभी हम बात करते हैं क्या ये माँ की गलती की वजह से होता है। तो दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं, ये माँ की गलती की वजह से नहीं होता है। बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है तो गर्भनाल, बच्चा जब मूवमेंट लेता है, घूमता फिरता है, तो उसकी गले में अटक जाता है, लिपट जाता है, उसकी वजह से बच्चे की गले में गर्भनाल अटक जाता है। और दूसरा कारण मैंने बताया आपको कि प्लासेंटा अगर छोटा रहता है यानी जो गर्भनाल है वो छोटा रहता है, तो वो केसेस में भी जो बच्चे के गले में जो प्लासेंटा है वो अटक जाता है। बहुत सारी महिलाओं में ये जानने का उत्साह है कि गर्भनाल अगर बच्चे के गले में अटका हुआ रहता है, क्या वो नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं, क्या वो केस में नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है। तो दोस्तों, अगर गर्भनाल एक लेयर होता है, देखिए बहुत सारी महिलाओं में, बच्चे में, और जो गर्भनाल है किसी बच्चे में एक लेयर होता है, किसी बच्चे में दो लेयर होता है, कोई कोई बच्चे में तीन लेयर होता है। जैसे कि आपको पता है, मैं मतलब आप अगर मुझे रेगुलर फॉलो करते हो तो आपको पता रहेगा कि मैं गायनी स्टूडेंट हूँ, तो मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखा है, बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं कि जिनमें भी गर्भनाल जो होता है जो एक लेयर का होता है, तो वहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी का जो चांसेस है बहुत बढ़ जाता है। लेकिन वहाँ पे अगर आपके बच्चे में जो गर्भनाल है वो दो लेयर, तीन लेयर, और कोई कोई बच्चे में तो गर्भनाल चार लेयर में भी लिपट जाता है, यानी कि जो फंस जाता है, तो वो केसेस में आपको नॉर्मल डिलीवरी करना बहुत ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि आपके बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा खतरा होता है नॉर्मल डिलीवरी करना है। तो वो केसेस में डॉक्टर आपको सी सेक्शन यानी सीजरियन के लिए सलाह देते हैं, तो वो केसेस में आपको सीजरियन कर लेना चाहिए, वो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा सेफ होता है। अभी हम बात कर लेते हैं क्या इसको आप हटा सकते हैं, क्या कोई तरीका से आप एक गर्भनाल को बच्चे के गले से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, जो गर्भनाल होता है वो नेचुरल होता है, वो भगवान का दिया हुआ बच्चों के लिए होता है, जिससे कि बच्चे ऑक्सीजन लेते हैं, बच्चे को वहाँ से खाना पीना बच्चे के लिए सब कुछ वही देता है। तो जो गर्भनाल है वो बच्चे ही फंसा देते हैं, तो बच्चे ही वो निकाल सकते हैं। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा मूवमेंट करता है, अगर सपोज आपका जो गर्भनाल है आपकी 8 मंथ पर आपकी बच्चे के गले में फंस गया है, अगर आपका बच्चा ज़्यादा मूवमेंट करता है, घूमता फिरता है, तो आपका जो गर्भनाल है बच्चे में 9th मंथ में निकल भी जाता है। वो केसेस में जो बच्चा है वो घूमता फिरता है, तो गर्भनाल निकलने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। लेकिन जो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया, अगर आपका गर्भनाल छोटा होता है, तो वो केसेस में बहुत, मतलब कम चांसेस रहता है गर्भनाल बच्चे की गले से निकलने का। लेकिन बहुत केसेस में ऐसा हुआ है, 8 मंथ में गर्भनाल बच्चे के गले में अटका हुआ रहता है, लेकिन जब भी उनका डिलीवरी का डेट आता है तो तब भी जो गर्भनाल है बच्चे के गले से निकल जाता है। अभी हम बात कर लेते हैं क्या इससे बच्चों को कोई खतरा होता है। देखिए दोस्तों, इससे बच्चों को कोई भी खतरा नहीं होता है। जो गर्भनाल है बहुत ज़्यादा इतना स्ट्रांग नहीं रहता है, जिससे कि आपके बच्चे की जो गला दबने का जो चांसेस है वो बिल्कुल भी नहीं रहता है, बहुत सॉफ्ट रहता है, तो बच्चे के लिए बिल्कुल भी उससे कोई खतरा नहीं रहता है। बहुत सारे बच्चे चार चार गर्भनाल, चार लेयर का गर्भनाल अपने गले में लिपट कर बाहर आते हैं, तो इससे बच्चों को कोई खतरा नहीं रहता है। अब आप अपना रूटीन, जो डाइट है, रूटीन जो आपका जो एक्सरसाइज है वो कीजिए, क्योंकि जो गर्भनाल है आप कुछ भी करने से आप उसको नहीं निकाल सकते हैं, वो बच्चा ही अपने गले में अटकाता है। और बच्चा अगर ज़्यादा मूवमेंट करता है, बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, तो वो निकलने का बहुत हद तक चांसेस होता है। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं, आप वॉक कीजिए, आप कम से कम ज़्यादा एक्टिव रहिए, आप बहुत ज़्यादा काम कीजिए, जिससे कि आपका बच्चे का जो मूवमेंट है बहुत ज़्यादा होगा, और आपका जो बच्चे के गले में अगर गर्भनाल अटका हुआ रहता है तो वो निकलने का बहुत हद तक चांसेस रहता है। लेकिन दोस्तों, आप कुछ करके उसको नहीं निकाल सकता है, वो नेचुरल है, वो बच्चा अपने गले में खुद फंसाता है, और बच्चा मूवमेंट करता है तो ऑटोमेटिक वो निकल जाता है।
तो आई जस्ट होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि बच्चे में गर्व नाल क्यों अटकता है, क्या इससे आप निकाल सकते हैं, जो भी आपके मन में डाउट रहेगा इससे आपको क्लियर हो जाए। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलूंगी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर गाइस, लव यू, बाय।